everyone, my name is Arjun Sharma from the Young Minds family. I am in class 5th and today I am going to tell you conversion. Meter is the standard unit of length and the other units are decimeter, centimeter, millimeter, decameter, hectometer and kilometer. Question: 5 kilometer to meter. तो हम 5 को किलोमीटर में लिख लेंगे. इन सब यूनिट के बीच में 10 का डिफरेंस होता है. तो जब भी हम एक यूनिट से उसकी राइट साइड पे चेक करते हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं. तो यहाँ पे भी सेम होगा. तो हम 5 को किलोमीटर में लिख लेंगे. मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10. सो इट इज़ 1000. नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 1000. सो द आंसर इज 5000. सो 5 किलोमीटर टू मीटर इज 5000. नेक्स्ट, 4 डेकामीटर टू सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट 4 डेकामीटर टू सेंटीमीटर. तो हम 4 को डेकामीटर में लिख लेंगे और उसकी राइट साइड पे चेक करेंगे. मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10. इट इज़ अगेन 1000. सो हम 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारा आंसर आया 4000. सो 4 डेकामीटर टू सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4000. नेक्स्ट, 3 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट 3 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर. अब हम 3 सेंटीमीटर, तो अब हम 3 को सेंटीमीटर में लिख लेंगे और उसकी राइट साइड पे चेक करेंगे. तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 30. हमारा आंसर आया 30. सो 3 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर इक्वल्स टू 30 मिलीमीटर. नाउ नेक्स्ट, 7 डेसीमीटर टू मीटर. अब हमें 7 डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. अब जब भी हम यूनिट की लेफ्ट साइड पे चेक करते हैं तो वो 10 से डिवाइड हो जाता है. तो यहाँ पे भी सेम हुआ. अब हम 7 को डेसीमीटर में लिख लेंगे और उसकी लेफ्ट साइड पे चेक करेंगे. तो हमारा आंसर आया 10. तो हम 7 को 10 से डिवाइड कर देंगे. तो हमारा आंसर है 0.7 मीटर. सो 10 डेसीमीटर टू मीटर इक्वल्स टू 0.7 मीटर. नेक्स्ट, 9 डेकामीटर टू किलोमीटर. अब हमें 9 डेकामीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. तो अब हम 9 को डेकामीटर में ले निकलेंगे और किलोमीटर तक चेक करेंगे. तो डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10. तो अब हम 9 को 100 से डिवाइड कर देंगे. सो द आंसर इज 0.09. सो 9 डेकामीटर टू किलोमीटर इज 0.09. थैंक यू.